टाइम देख क्या हो रहा है, घर नहीं जाना तुझे? रसोई कौन संभालेगा है? अब भाभी को भी नहीं बोल सकते, भैया चौड़ा के घूमती है घर में। अरे भाभी जी आइए ना, सेल तो कब की खत्म हो गई, आइए कहिए। ये साड़ी का मैचिंग ब्लाउज होगा तो देखना। अरे जरूर, हाँ इसका मिलेगा, एक मिनट। भाभी जी सेल खत्म हो गई तो क्या हुआ, मैंने आपके लिए बढ़िया साड़ी दबा के रखी है, आप कहो तो दिखा दूं। अच्छा दिखा दो, आप भी दिखाती। ये छोड़िए भाभी जी, ये साड़ी देखिए, कितना खूबसूरत रंग है ना, आसमानी रंग। हमारे यहाँ कहते हैं कि जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं, भगवान जाने किसने उसे शादी ब्याह से जोड़ दिया। असली कहावत तो ये साड़ी और शरीर की है, अब हर साड़ी की किस्मत में लिखा होता है कि ये किस पे अच्छी दिखेगी। हाय भाभी आप पे तो ये साड़ी इतनी जच रही है। एक मिनट जरा सुनिए जी, जरा दराज से काजल तो निकालिए, भाभी को लगा दो कहीं मारी नजर ना लग जाए। ब्यूटी पार्लर है नहीं? खैर ये जरा काम करे, मैं अपनी भाभी को अपनी आँख से ही लगा देती हूँ। अरे भाभी बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। यह साड़ी मुझ पे सच में अच्छी लग रही है। लो भाभी जी 500 साड़ियाँ हैं हमारी दुकान पर, महंगी से महंगी, पर मैंने आपको वही साड़ी दिखाई जो आपको बिल्कुल अच्छी लगी हो। अच्छा ये साड़ी बहुत बढ़िया है, 1000 रुपए की, सिर्फ आपके लिए दबा के रखी हुई थी मैंने। आप ना मत कीजिएगा, आप ले ही लीजिए तो फिर बांधू। आप बोलती है तो रख लेती हूँ भाभी। हाँ भाभी, हर कोई पूछेगा चलेगा आपसे ये साड़ी देखकर। हाँ ये लीजिए आपकी साड़ी। ये लो भाभी पैसा। पैसे गिने जा रही है, टेम नहीं देख रही। चतुरी हाँ ये ठीक कटी है ना? हाँ भाभी अच्छी काटी है। और इसे बनाते कैसे हैं? लाइए ना भाभी मैं बना देती हूँ, मुझे इस घर में कोई फूटरी गुड़िया बन के घूमने के लिए तो नहीं रखा है ना, लाइए। नहीं चतुरी तुम बताना, सब्जी मैं बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, पहले कढ़ाई लेते हैं। पहले आप पूरी सब्जी डाल दीजिए। अरे भाभी मुझे तो अभी कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पर जाना है, मैं जाती हूँ। हाँ आप थोड़ी देर इसको संभाल लीजिए। संभालू मतलब इसे चलाते रहना है ना? अच्छा भाभी राम राम, अपनी सहेलियों को भी जरूर बता दीजिएगा राठी साड़ी सेंटर, अगले महीने दोबारा सेल लगा रही हूँ। रे बंदर जाने का क्या लेगी तू, यही जमकर बैठ गई है, खुद भी मरेगी मुझे भी मरवाएगी। कम से कम अंदर जाकर शगुन की दो चार रोटियां उतार ले तवे से, भाभो भी खुश हो जाएगी। और तू जानती है ना भाभो कैसी है, रे अगर भड़कने पर आ गई ना तो दोनों को लपेटे में ले लेगी। अरे रे आप परेशान क्यों नहीं हो, अब भाभो ना भड़केंगी हम बहुओं पर। अरे उन्होंने तो खुद कहा है भाई जिसकी जो मर्जी हो वो करे, भाई मैं तो वही कर रही हूँ जो भाभो कह रही है, और आप भी जानो हो भाभो हुक्म दे और मैं जान दू। खैर जाने दो, जिठानी जी का पैदा होना सफल हो गया, सच बताओ घर में बड़ा भला कर रही है वो। अरे हवा में मत उड़ तू, समझी हवा में मत उड़, ये बहुओं के हाथ में ना उम्र भर सत्ता रहने नहीं देगी भाभो।
कल परसोई भाबो फिर से भाबो बनेगी। जो भी घर की बहुएं कर रही हैं ना, इसका सारा का सारा हिसाब भाबो के भाई खाते में लिखा जा रहा है। और जब इसका हिसाब करने बैठेगी ना भाबो, अरे भागने की जगह ना मिलेगी तुझे। ओ, आप परेशान को नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो हमारी जेठानी जी है ना, वो इतनी होशियार है कि भाबो की ऐसी नब्ज पकड़ी है कि भाबो पलट ना सके। शेरनी की पूंछ पकड़ा दी है हाथ में, छोड़ी तो खावे। ओ, शेरनी की दुकान चुपचाप घर चली जा, हैं रोटियां पका। खुद भी काम करो और मने भी काम करने दो, तो पैसे शांति से कमाने दो। भाभी जी बाहर क्या खड़ी है, अंदर आइए, मेरे पास बहुत अच्छी साड़ी है, आइए आइए। कटे जा रही संतोष, बैठ जरा दो घड़ी। क्यों आज भोग के मारे अतड़ियां सूख नहीं रही थारी, आंखों के आगे काले सिर नाचते ना दिखाई दे रहे? ना, ऐसा कुछ ना हो रहा। बैठ यहां संतोष, मने थारे से कुछ बात करनी है। आपको भूख ना लगी ना सही, पर मने बड़ी जोरों की भूख लग रही है, क्योंकि आज अपने हाथों से रसोई बनाई है, बहुओं को आजाद किया है आज रसोई से, जो जी में है वो करे। संतोष, रोटी बनाना बहुत ही सिंपल है, एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ तेरे ससुराल में भी काम है। वैसे तो भैया ने आज भी आड़ा तेड़ा नक्शा ही बनाया, किया इतना उन्होंने कि रोटी ली और इस गोल ढक्कन में डाल के साइड का हिस्सा काट दिया। वो रोटी की गोल सब्जी नहीं, वो भिंडी की सब्जी और गोल रोटियां बना रही थी। भाबो सब चतुर से पूछ कर ही बनाया है, दाल उबाल दी है, उसमें तड़का लगाना बाकी है, वो भी चतुर से पूछा है। भाबो मैं कर लूंगी। बेमिसा मने जरा जल्दी लिया मारे को करने दे। अरे काम करने से ही तो पतो चले है कि आदमी जिंदा है, पर ना जिंदा और मुर्दे में के फर्क पड़े है। चल मैं देखो, परिवार और पेट तो पालना ही पड़े है ना।